Absolutely. Do let us know and मैच उसकी बात करें वापस जरूर करेंगे बट here you go TSM Ninja हमारे साथ यहां पे जुड़ते हैं. कैसे हैं निंजा आप? बहुत बढ़िया हूं. आप लोग कैसे? हम लोग तो देखिए आप ये बोल सकते हैं हम लोग सरप्राइज्ड हैं. सरप्राइज भी नहीं है, लाइक हमें पता है क्या होता. हम लोग कहीं ना कहीं माथा पकड़ के बैठे हुए थे कि ये चलता क्या, लाइक जिस तरीके से तुम लोग खेलते हो, तुम लोगों को देखा है खेलते हुए, तो मुझे ये जानना है पहले गेम में क्या गलती हुई. पहले गेम में लाइक हमको प्रिंस का पोज ही नहीं पता था, तो हमको बस तीन बंदे उधर पोज ही पता था जी. तो लाइक जब हम लेफ्ट से जा रहे थे तो हम हमारे दो बंदों के हाथ में नेट था, तो वही हुआ कि प्रिंस ने राइट से हम तीनों को नॉक दे दिया उधर, क्योंकि हम सामने जो बंदा पेड़ पे था उसने हम सबको डैमेज दे दिया था उधर. तो वही हुआ उधर, थोड़ा गलत सीन हो गया. और उसके बाद भी आप सभी ने काफी अच्छा प्रदर्शन करा मिरामार के मैचेस में. अगला इरांगल का मैच है, उसमें क्या एक योलो हमें स्टार्ट देखने को मिल सकता है आप सबकी तरफ से? जो परफॉर्मेंस है वो ऐसा शो केस हो रहा है कि ना कहीं ना कहीं बहुत सारी टीम समझ सकती है कि टीम किस तरीके से खेलती है, मेंटालिटी क्या होती है. सो मैं एक सिंपल सा सवाल मेरा एक रहेगा एंड दैट इज कॉल आउट्स रहते क्या है एक्चुअल गेम के अंदर, यू नो कॉल आउट्स, क्योंकि पहले हमने देखा आप लोग जोन को भी अच्छे तरीके से होल्ड करते हो, फिर फाइट्स भी कभी कभी प्लेयर्स इंडिविजुअली ले रहे हैं, नेट्स कुक कर रहे हो, नेट्स के टाइम पे कोई हो सकता है शायद कवर दे रहा है नहीं दे रहा है, गाड़ियां भी अच्छी, तो वो क्या रहता है कॉल आउट्स किस तरीके के रहते हैं? कुछ नहीं, नॉर्मल रहते हैं कॉल आउट्स. लाइक जैसे सामने कोई रश करना हो तो एक घुस जाओ, बस एक नौके घुस जाओ, फिर लाइक जैसे हमारा उधर वीआर रन का फाइट हुआ, लेफ्ट में भी एक्सपर्ट था, हम वीआर रन को मारे तर वही था कि लेफ्ट में पहले लेफ्ट क्लियर करो, फिर हम जो भी राइट का सब देखना है वही एक नॉक पुश, वही नॉर्मल कॉल सी रहता है. Well, बिल्कुल बेसिक्स पे ध्यान देते हुए यहाँ पे आपको TSM नजर आई, बट साथ ही साथ निंजा अगर बात की जाए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लाई गई है, जो यंग प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं वो कितना बेहतरीन खेल रहे हैं, आप कुछ यहाँ पे कहना चाहेंगे उन टीम्स के बारे में जो नई आई हैं, पहली बार सर्किट में आई हैं बट दे आर प्लेइंग सो वेल? वो तो उन लोगों का जो लाइक मेहनत है, लाइक मैं भी पहले एक ऐसा ही था लाइक, तो वो लोग अभी जो मेहनत कर रहे हैं एकदम, इतना बड़ा स्टेज है इधर, तो वो लोग अपने आप को दिखा रहे हैं, प्रूव करेंगे उन लोगों का क्या है सब कुछ, मतलब फाइट वगैरह, तो वही लोग ऐसे ही खेलते रहो बस. I mean, मैं बताता हूँ इस प्लेयर से मैंने पहले भी बात करी इनकी पूरी टीम से, आई गेस मैंने तुम लोगों का एक बार इंटरव्यू लिया भी था. सो ये लोग बोलते कम है करते ज़्यादा हैं, वही ओवरऑल एक चीज़ इनकी उन्होंने रहती है कि बोलते कम है करते हैं, बट आप, मैं बोलूँगा आपकी टीम कहीं ना कहीं आप प्लेयर्स एक एग्जाम्पल हो इस चीज़ का, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करती है कुछ नए प्लेयर्स में तो वो बिलीव को वो प्लेयर्स भी उन्होंने दिखाते हैं कर करके, उन्होंने दर्शा करके दिखाते हैं. सो आई वुड जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू, इनफैक्ट आपने नई टीम का बता, नई टीम्स का बता दिया, बट जिन टीम्स के अगेंस्ट आप खेलते रहे हैं उनके लिए अगर कोई मैसेज हो आने वाले राउंड्स के लिए, मैं जानना चाहूंगा TSM कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड है आने वाले राउंड्स के लिए. चेतावनी देनी है टीम्स को अभी दे दो वो मसाला चाहिए हमें अभी, दो कुछ नहीं, जो भी टीम्स है सबसे फाइट लेंगे मारेंगे. यही चाहिए था, मैं थोड़ा बोल्ड तरीके से चाहिए था, बट निंजा बता ऐसे क्यूट सा बच्चा लगता है, ये ऐसे बोलेगा बिना ऐसे लगेगा कि मतलब धमकी नहीं दे पा रहा ठीक से, वही चीज़ है कि, बट स्टिल यू गाइज टू बी ऑनेस्ट आर डूइंग रियली रियली गुड. और आखिरी गेम जैसा आपने बोला ये एक वो एक टीम बन सकती है कि नो योलो एक्सपेरिमेंट करते भी जाए तो भी अच्छा करेगी, बट आई वांट टू आस्क यू क्या कुछ चेंजेस हमें ड्रॉप्स में भी आपकी तरफ से या रोटेशन में, कि लास्ट टाइम ने देखा जॉर्ज बोल के एकदम पीछे से चले गए क्योंकि जोन उधर का था, इस बार कुछ अलग हो सकता है कि अर्ली जाएंगे जोन में, जोन नहीं हुआ तो लेट जाएंगे, कुछ ऐसा हो सकता है? वैसे नहीं, वो जोन के हिसाब से देखेंगे, लाइक जो क्लोज रहा तो एकदम लूट लाट कर रहा हूँ, अगर जल्दी निकल रहा हो तो मिलिट्री बेस जोन है सब, तो थोड़ा लूट के फट से एकदम दो फिर फाइट, वही नॉर्मल है बस. जी हाँ, आज के प्रदर्शन काफी अच्छा है. यू नो निंजा, इस आज के दिन से पहले टीम का एटमॉस्फेयर कैसा था मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे थे, नॉर्मल है, मैं जानना चाहता हूँ कि वही बोलेंगे देखना, वही बोलेंगे देखना, फील करते हैं, आई वांट टू नो क्या एक एक्सपीरियंस टीम भी प्रेशर फील करती है, बोल दीजिए. नहीं कोई प्रेशर नहीं था, लाइक अभी हम वही है नॉर्मल था. वेल प्रेशर पे तो नहीं रहने का बिल्कुल, ठीक है. देखिए इन्होंने तो मंत्रा दे दिया है कि प्रेशर में नहीं रहने का. थैंक यू सो मच निंजा हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए, आगे आने वाले मैचेस के लिए भी आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.
मैं बताता हूँ, निंजा पता है एक चीज पे, जैसे उसने बोला ना कि प्रेशर नहीं है वगैरह, वो उस मेंटालिटी पे होता है, टेंशन लेने का नहीं देने का, वो वाला चीज है, हमें टेंशन लेनी नहीं, हम टेंशन दे देंगे आपको। एक चीज सबसे बढ़िया बोली इन्होंने कि अगले मैच के अंदर भी चिकन चाहिए, बट चिकन नहीं, सिर्फ चिकन नहीं चाहिए, पहले फिनिशेस चाहिए, उसके बाद चिकन चाहिए।